से आके। बहुत तेज नींद लग रही है, अभी बज रहा है 10 बज रहा है, कोचिंग पढ़ा के आए फिर भी नींद लग रही है, पता नहीं क्यों। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज सोमवार का दिन है और आज देखते हैं क्या करते हैं, लेकिन फिलहाल में अभी तो चलते हैं सारांश के साथ नहाने, फिर उसके बाद से देखा जाए। हम सोच रहे हैं थोड़ा जाने के लिए बाहर, और बाहर देखो जाम लगा हुआ है, कैसे जाएंगे भाई। अब ये जल्दी ख़त्म भी नहीं होगा जाम, एक बार जहाँ से थोड़ा सा 10-12 गाड़ियाँ खड़ी हो गई ना तो वो बढ़ती ही जाती हैं। चलो अब तो भीड़ कुछ कम हुआ है, लग रहा है कि अब जाम ख़त्म हो जाएगा क्या। फिर से लग गया इस बार, देखो वहाँ से लेकर वहाँ तक, अब इस बार और भयंकर जाम लग गया। मुझे कुछ काम है कचहरी में, और जो है लग रहा है कि ये जो है जाम ख़त्म नहीं होगा आज, आज मतलब क्या 1-2 घंटे तक, इसलिए निकल रहे हैं, नीचे नीचे जा रहे हैं कचहरी तक, देखते हैं रास्ता नीचे वाला क्लियर है कि नहीं। नीचे के रास्ते हम आए और क्रॉसिंग ना गिरा हो तो ही नहीं सकता, जैसे ही पहुँचे यहाँ पर क्रॉसिंग गिर गया, अब यहाँ पर भीड़ लगी जाएगा। स्वतंत्रता सेनानी सुपर फास्ट एक्सप्रेस, सुपर फास्ट। लो एक और आ गई, अब ये कई तरह से जब यहाँ पर खड़ा होंगे ऐसा ही होगा। जाके खाली हुए और कचहरी में आए, चलो तो कचहरी में जो काम था एक स्टाम्प बनवाना था, बस बन गया। अब चलते हैं, थोड़ा सारांश को लेकर जाना है फिजियोथेरेपी कराने, देख के तो लग रहा है कि ओवर ब्रिज का जाम ख़त्म हो गया है, चलो चलते हैं आगे ना हो जाम बस। चलो भाई, तो हम लोग चल दिए स्कूल, और सारांश का बैग जो है इनके पिंटू मामा टांगते हैं, और सारांश जो है आराम से मस्ती में जाते हैं। पैसा दो सुई, उसुई हाँ जाओ पैसे लेकर आओ, उसुई नहीं जाओ पैसे लेकर जाओ जाओ। देख गजब हाल बाब है तुम्हार, देख लो सारांश सुई से डरते हैं, देख लो भाई सारांश चला जाए। अब चलो नहीं तो अब रोने लगे हैं, इसको रास्ता तक जो है पता है, उधर से आने के लिए रो रहा था, उधर से जाएंगे इधर से नहीं, उस साइड से जैसे वो पुल के उसको पार करके इसको जाने का मन करता है हमेशा, और इधर से नहीं जाएगा उधर से जाएगा, तो रो रहा था जब उस साइड में हम लेकर आया था उस समय, तो बोले थे कि जाते समय लेके जाएंगे। चलो मैगी खाना है ना। किसी ने यूट्यूब पर कमेंट किया था कि शिशु महल में कार्तिकेय 2 देखने गए कि नहीं गए, तो भाई भी गया नहीं था मैं, लेकिन मुझे पता भी नहीं था कार्तिकेय 2 लग गया है कि नहीं उसमें, क्योंकि इसके पहले लाल सिंह चड्ढा लगा था जो कि बुरी तरह पीट गई उसमें। कार्तिकेय 2 देखते चलते हैं, लगा होगा तो जरूर देखेंगे, अभी तो चलते हैं टाइम भी है देखने का। सस्पेंस वाली हो या साइंस वाली मूवी हो मुझे बहुत बेस्ट लगती है, तो कार्तिकेय 2 का ट्रेलर देख के तो लगता है कि सस्पेंस वाली मूवी है, अगर लगा होगा तो मजा आएगा भाई। ये तो क्लियर हुआ कि कार्तिकेय लग गया है मूवी भाई, 19 अगस्त से लगा है आज भाई, देखा जाएगा सस्पेंस वाली मूवी, बहुत दिनों बाद ऐसी मूवी देखने को मिलेगा। तो भैया के यहाँ जो है अशोक जी स्पेशल लजीज कुल्फी, पहले इन्हीं का जो है टेस्ट करते हैं, तब मूवी देखा जाएगा, तो टाइम है मूवी में। ये देखो भाई साहब, बढ़िया मस्त लजीज पी के मजा आ गया, अब चलते हैं मूवी में एंट्री होने वाली है। चलो भाई तो ले लिए हैं चिप्स पानी, अब चलते हैं मूवी बालकनी, देखा जाए कहीं जगह बढ़िया से बीच कर बैठ जाए जाए। फिर के बाद जो है स्टार्ट हो गया कार्तिकेय 2, ये मूवी का स्टार्टिंग सीन है, इतना बेस्ट स्टार्टअप हुआ है क्या बताया जाए, बहुत बढ़िया लगा देखने में। क्या गजब का बैकग्राउंड म्यूजिक है भाई, गजब बेस्ट। मूवी का हाफ टाइम हो गया, अभी सस्पेंस भयंकर हुआ, पूरे लास्ट तक मूवी का सस्पेंस बना हुआ है, अभी भी देखो अभी लग रहा है कि 1/2 घंटा है, अभी भी सस्पेंस है मूवी में भी। बहुत
बहुत एडवेंचर और बहुत बेस्ट मूवी है भाई, मानना पड़ेगा। लास्ट तक मजा आ गया देख के, इसको दिल खुश हो गया मूवी को देख के, बेहतरीन। इसका और भी पार्ट आने वाला है जो इससे भी बेहतरीन बेहतरीन होने वाला है, जबरदस्त जबरदस्त। खत्म। लाल सिंह चड्ढा और अच्छा बंधन से बहुत बेस्ट मूवी है, बहुत जवाब नहीं भाई, एक नंबर मजेदार मूवी। एक वो वाली मूवी इतना एडवेंचर आती है जिसमें पाकिस्तान में जाता है और जाके वहाँ पर सारा क्लू सॉल्व करता है, फिर जो है वो खजाना खोजता है। मतलब वाकई में एकदम से इतने लंबे समय के बाद इतना बेस्ट मूवी हमको मिला है कि भाई मज़ा आ गया देख के। आज तो घर पे पहुंच गए हैं, क्या बज आए, लाइट भाग गई है और सरांश जो है अभी सोया हुआ है। सरांश को फोटो में दिखा के पूछ दो कि मोदी जी कौन है, योगी जी कौन है, दोनों बता देता है। मोदी जी योगी जी को जानता है सरांश। बुआ सीधा बैठा, ए बबुआ पिंटू इनके बबुआ, बबुआ खतरनाक बबुआ, तुम सीधा बैठा बबुआ, ऊपर देखो, ए बबुआ गिरिया मत बबुआ, बबुआ ला जा। तो चलते हैं अभी थोड़ा सा, अब चेक आया है उनका जो है बाइक का जो है टायर चेंज करवाना है इतने रात में, और बस तो चलते हैं आज मंजीत भैया की दुकान की तरफ। तो आज कई दिनों के बाद जो है टाइम मिला तो जा रहे हैं मंजीत भैया के यहाँ, नहीं तो क्या बताया जाए, रोज कुछ ना कुछ काम से व्यस्त रहते थे। आज सोचे कि चलो चला जाए, कई दिन हो गया था गए हुए, अभी जाके घर पे पहुँचे हैं और अभिषेक हमको यहाँ पे छोड़ दिया ओवर ब्रिज के पास में, तो अब घर पहुँचे हैं, अब तो लेट हो ही गया है। तो अब मंजीत भैया की दुकान पे ही पूरा लेट हो गया था और वहीं से हम लोग जो है पिज्ज़ा इतना बच गया था कि खाओ के वहीं से आए हम लोग, और उन्हीं की दुकान पे कोई ऑर्डर था, उसी ऑर्डर की कोई पार्टी थी तो उसकी ऑर्डर कम्प्लीट करने में टाइम हो गया बहुत ज़्यादा। तो चलो कोई बात नहीं, फिलहाल मैं आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते फिर आपको कल के ब्लॉग में, आज के लिए गुड नाइट।